स्वागत है आपका गुलाबी शहर यानी कि द पिंक सिटी जयपुर राजस्थान में। सो आई वाज ऑलरेडी अवेयर अबाउट ओला एंड उबर सर्विसेज इन जयपुर, सो क्विकली विदाउट वेस्टिंग मच टाइम आई टुक अ राइड फ्रॉम जयपुर रेलवे स्टेशन टू माय स्टे जॉस्टल। रेलवे स्टेशन से याद आया, आई हैव ऑल्सो मेड अनदर वीडियो ऑन माई रेल जर्नी फ्रॉम बैंगलोर टू जयपुर, जब भी टाइम मिले काइंडली चेक इट आउट। So, let me introduce you to few more options. If you are traveling solo or be it anyone, then I highly recommend you to experience staying in hostels once for sure. You won't regret it. These are also best options for socializing. Starting with Jostel, Mustache, Go Stops, Hostelo. Not only these, but there are like 50 plus options available. You can visit hostelsworlds.com for more details. I stayed in Jostel as I was not aware of other options before I met other fellow travelers. Da-da-da! Rav Ram Sa! Hi, hello, namaste, namaskara. Welcome back to my channel, Short Fitties by Priya. So this is 23rd. तो पहला जोर का झटका मुझे भी लगा व्हेन आई वाज बैक फ्रॉम द ट्रिप। बुरा बहुत लगा, बट वीडियो तो बनाना था ना। सो आई हैव ट्राइड माय बेस्ट टू डू व्हाटएवर पॉसिबल टू टेक यू ऑल थ्रू दिस वर्चुअल टूर। सो टू स्टार्ट विद, दीज आर द टॉप 10 प्लेसेस यू कैन विजिट इफ यू हैपन टू बी इन जयपुर फॉर 2 डेज। डे 1 फॉर ट्रैवलिंग आई ऑप्टेड टुकटुक की सवारी, ऑटो रिक्शा गाइस। कॉस्टेड मी लाइक 500 bucks, प्रॉमिसिंग मी 5 places विच वर प्रिटी फार फ्रॉम द सिटी, एंड इट वॉज अ गुड डील आई थिंक। यू कैन ऑल्सो हायर अ कैब और रेंट अ बाइक, एंड दिस सवारी इज होस्टेड बाय अली जी और आज के मेरे गाइड भी हैं, तो चलो उनकी भी बातें थोड़ी सुन लें। और अली जी के रेकमेंड करने पे वी स्टॉप्ड एट वन ऑफ दिस व्यू पॉइंट टुवर्ड्स दी नाहरगढ़ फोर्ट, एंड दिस इज हाउ इट लुक्ड लाइक। एक फोटो भी लेते हैं। बाप रे कितनी भीड़ है। नाहरगढ़ फोर्ट इज लाइक 18 किलोमीटर्स ऑफ राइड फ्रॉम द सिटी। बाप रे इतनी क्राउड और इतनी लंबी लाइन है कोरोना में भी। चलो जल्दी अंदर चलते हैं। कुछ 100 meters चलने के बाद आपके स्वागत में हमारे पूर्वज वानर सेना बैठे मिलेगी, और लेफ्ट पे है एक बावड़ी यानी कि स्टेप ग्राइंड विच वॉज द वाटर सोर्स फॉर दिस एंटायर नाहरगढ़ फोर्ट, एंड टूवर्ड्स ऑपोजिट यू हैव एंट्रेंस टू द बिल्डिंग। अब जल्दी से हाइपरलैप्स की सवारी करते हुए अंदर चलते हैं। सो नाहरगढ़ फोर्ट स्टैंड्स ऑन द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंजेस ऑफ अरावली हिल्स, एंड इट ऑफर्स अ स्प्लेंडेड व्यू ऑफ द सिटी ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट। बिल्ट बाय महाराजा सवाई जय सिंह इन 1734, नाहरगढ़ मीन्स एडोबिंग ऑफ टाइगर्स। It follows the Indo-European architecture and there are many structures inside the fort. It takes around almost 1 to 2 hours of time to explore the whole fort. As decided, the next destination was supposed to be Jaigarh Fort, but due to the time restrictions, I decided to skip it. To phir kabhi aur milenge Jaigarh? इन अरावली हिल्स के सूखे पहाड़ों को देख के थोड़ा मन उदास था। लग रहा था काश मैं यहाँ मानसून में होते तो शायद प्यार हो जाता इन पहाड़ों से। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉप टूरिस्ट अट्रैक्शन ऑफ जयपुर, अंबर फोर्ट प्रोनाउंस्ड एज आमेर सिट्स ऑन अ टॉप ऑफ स्मॉल हिल एंड इज लोकेटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 11 किलोमीटर्स फ्रॉम द मेन सिटी।
Now, to reach the entrance at top, you can either walk uphill, ride on an elephant, go by jeep, golf cart, or take your vehicle. और मैंने अपनी 11 नंबर गाड़ी की सवारी लेते हुए हाइपर स्पीड पे सीधा ऊपर चलते हुए. इंटरेस्टिंगली आमेर सिटी हैज बिकम इवन मोर पॉपुलर एज द होम टाउन ऑफ प्रिंसेस जोडा एज राजा मान सिंह वॉज एन अलाई इन द कोर्ट ऑफ अकबर. ड्यू टू दिस स्ट्रक्चर इन द कोर्ट आर द फ्यूजन ऑफ हिंदू एंड मुगल स्टाइल आर्किटेक्चर. There is a lot to see in the palace complex as you move from one courtyard to the other, leading to private chambers, plus temples, gardens, Diwane Alam, Diwane Khas, the dazzling Sheesh Mahal and many more. So, I would highly recommend you to take a guide and try to visit early mornings because it will easily take 2 to 3 hours to explore the fort. And it's worth it. Now, last two spots of the day, which are quite nearby Amer Fort, are firstly Panna Meena Ka Kund. In English, it's stepwell, which are primarily used to store water in ancient times. This is quite a basic, simple stepwell, and I would definitely not recommend you if you have already witnessed any stepwell before, because I have happened to witness most of the ancient beautiful huge stepwells of India last year on my trip to Gujarat. And last but not the least, Jal Mahal or the Water Palace, situated in the middle of Mansagar Lake. It's a 5-storied palace out of which 4 floors are inside the water and only the top floor is visible to us. You can take a short walk in the evening with some beautiful views of Jal Mahal. अच्छा, आज के लिए बस. बहुत भूख लग रही है यार. भूख से याद आया, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो जयपुर में लाल मांस जरूर ट्राई करना. एंड द डिस्क्लेमर इज इट्स टू हॉट एंड स्पाइसी. इसके साथ और भी तो डिशेस थे. फोटो लेना जरूरी नहीं लगा क्योंकि मेरा फोकस था हटाओ कैमरा, मुझको बहुत भूख लग रही है. आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग डे 1. स्टे होम, स्टे सेफ. बाय बाय.